ट्रेन से टक्कर होने पर इंसान कितना दर्द महसूस करता है। हम उस दर्द को मापने के लिए डोलोरीमीटर स्केल का हेल्प लेंगे। जैसे जब हमें किसी कोनों से चोट लगता है तब डोलोरीमीटर स्केल पर उसको 8 पर मापा गया है, और ऐसे ही जब एक बच्चा जन्म लेता है तब डोलोरीमीटर स्केल पर उसको 57 पर मापा गया है। और अगर आप गलती से एसिड को पी लेते हैं तो जो दर्द होगा वो इस डोलोरीमीटर स्केल पर 62 होगा। ट्रेन से टक्कर होने पर कितना दर्द होता है जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ट्रेन किसी इंसान को टक्कर मारेगा तो जो दर्द होगा वो इस डोलोरीमीटर स्केल पर 70 होगा। और जब कोई इंसान जिंदा जलता है तो वो सबसे दर्दनाक होता है, जो इस डोलोरीमीटर स्केल पर 75 मापा गया है।